सिटी लिमिटेड ने हाल ही में तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर से करवाया था और ये काम शुरू हुआ है। तवी रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू के लिए एक बहुत पुराना सपना भी है और साथ ही साथ जम्मू के लिए एक बहुत आइकॉनिक और मेजर प्रोजेक्ट है। इससे जम्मू शहर की तस्वीर बदलेगी और साथ ही साथ उसके विसिनिटी में और इवेंचुअली पूरे शहर में डेवलपमेंट, स्पिल ओवर बेनिफिट्स, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, सिटीजन्स के लिए एक लोकल अट्रैक्शन, ये सब फ़ायदे मिलेंगे। ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एज ए सिटीज़न हम अपना जो रोल है शहर को इम्प्रूव करने के लिए वो निभाएं। आप अपने शहर को साफ रखें, हरा भरा रखें और बेहतर बनाएं, तभी मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे कि तभी रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट असल में जम्मू को एक बदलता शहर बना पाएगा। थैंक यू। तवी, जो एक नदी ही नहीं है बल्कि जम्मू शहर की पहचान है। पुराना जम्मू शहर भी तवी नदी के तटों से सटी पहाड़ियों पर ही बसा और जैसे जैसे जम्मू शहर का विस्तार होता गया तवी नदी के किनारे आबादी भी बसती गई और बिगड़ता रहा तवी का वास्तविक स्वरूप। तवी के किनारों को खूबसूरत बनाकर शहर के सौंदर्य को चार चांद लगाने के साथ ही तवी को उसकी खोई हुई पहचान फिर से दिलवाने का काम जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से करने जा रही है। परियोजना के पहले चरण में भगवती नगर बैराज से विक्रम चौक पुल तक कुल 2.7 किलोमीटर का सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसमें 1.1 किलोमीटर तक नदी का बायां और दायां तटबंध विकसित किया जाएगा। नदी के बीचों बीच स्थित 0.5 किलोमीटर सेंट्रल आइलैंड को भी विकसित किया जा रहा है। बाएं तटबंध पर 180 कनाल के अनुमानित क्षेत्र में मनोरंजन क्षेत्रों, वाणिज्यिकी और आवासीय स्थानों के साथ उद्यानों के विकास किए जाएंगे। इसी प्रकार दाएं तटबंध पर 47.7 कैनाल पर पुनः प्राप्त भूमि का उपयोग सैर, साइकिल और जॉगिंग ट्रैक आदि प्रदान करने के लिए किया जाएगा। सेंट्रल आइलैंड में निक्की तवी और बड्डी तवी बैराज में स्थित सेंट्रल आइलैंड पर 126.1 कनाल क्षेत्र का उपयोग हॉलिडे रिजॉर्ट, फूड कोर्ट, वनस्पति उद्यान, कला और शिल्प केंद्र और मनोरंजन क्षेत्र आदि के विकास के लिए किया जाएगा। इसलिए दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट तटबंध निविदा लागत 135 करोड़ से पूरी की जा सकती है। लगभग 2.50 मीटर ऊंचाई के प्रत्येक चरण के साथ तीन चरणों में आरसीसी रिटेनिंग वॉल प्रदान करके नदी के दोनों किनारों पर तटबंध बनाए जा रहे हैं। चार स्तरों पर सैरगाह का निर्माण नीचे की रिटेनिंग वॉल के राफ्ट के साथ डायफ्राम की दीवार के शीर्ष को बांधकर और बाद की रिटेनिंग दीवारों के ऊपर बांधकर लंगर स्लैब बिछाकर किया जाएगा। निचली सैरगाह की चौड़ाई 8 मीटर, मध्यवर्ती सैरगाह 5.75 मीटर और शीर्ष सैरगाह 6 मीटर की होगी। इसमें प्रोमेनेड फ्लोरिंग व बैठने की व्यवस्था, अन्य फिनिशिंग, बिजली और फिटिंग, बागवानी और सिंचाई, सड़क का काम, फुटपाथ, प्रकाश व्यवस्था, विविध उपयोगिताएं, साइनेज, शौचालय ब्लॉक, गार्डन, लैंडस्केप, फूड कोर्ट, खेल सुविधाएं, शॉपिंग सेंटर भी शामिल रहेंगे। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन के अंदर इस पूरी परियोजना को
लगभग 18 महीनों में पूरा किए जाने की आशा कर रहे हैं। और आज इसके शिलान्यास के लिए आप सभी का स्वागत कर रहे हैं।